हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ न्यू डिजाइन डोरमेट, जिसे बनाने के लिए मैं दो कलर की बुल ली है, 10 नंबर सलाई ली हुई है और देखिए इसमें हार्ट शेप डिजाइन डालूंगी मैं। तो देखिए सबसे पहले मैं इसमें फंदे डाल लेती हूँ। फंदे मैं सिंगल वूल से डालूंगी ऐसे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से फंदे डाल के कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने 18 फंदे लिए हैं, तो यहाँ पे मैंने 6 के हिसाब से फंदे लिए हैं, 3 जगह डिवाइड करूँगी मैं, तो 6 * 3 = 18। आप इसको 30 फंदों से भी बना सकते हैं। जो फंदे आप डालेंगे वो 3 जगह बराबर बराबर होने चाहिए, तो मैं छोटा बता रही हूँ आपको। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले मैं एक फंदा ऐसे बुनूंगी, ये बुन लिया, और इस फंदे में से 2 फंदे करूंगी, एक बार बुना, एक बार इधर से बुन लेंगे, एक फंदे से 2 फंदे। यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया, उसके बाद देखिए ऐसे उल्टा बुनते हुए जाएंगे, ये देखिए लास्ट तक मैंने बना लिया इसको, और लास्ट में एक फंदा बिना बुने छोड़ देंगे और बुल को ऐसे करेंगे, सलाई को पलट लेंगे। यहाँ से हम इसे उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे इस तरह से। पूरी रो ऐसे ही इधर से भी बनानी है, ये देखिए। आप देखिए यहाँ से हम इस फंदे को उतारेंगे, बुल को अपने तरफ करेंगे और इस फंदे पे हम फंदा बढ़ाएंगे ऐसे, ये देखिए 1 फंदे से 2 फंदे, और लास्ट में एक फंदा छोड़ेंगे। ये देखिए, और यहीं से पलट लेंगे। आप देखिए इसी तरीके से मैं यहाँ पे ये 2 फंदे बढ़ गए, 4 फंदे और बढ़ाऊंगी और यहाँ पे 4 फंदे और छोड़ूंगी एक एक करके, तो 6 फंदे छूट जाएंगे, 6 यहाँ पे बढ़ जाएंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने एक एक करके 6 फंदे बढ़ा लिए और यहाँ पे 6 फंदे छोड़ दिए। आप देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे छोड़े और 6 बढ़ाए। अब देखिए 6 फंदों तक मैं कोई फंदा बढ़ाऊंगी नहीं, यहाँ पे ऐसे ही बुनूंगी, इस फंदे को उतार लूंगी। आप जितने का भी बनाएंगे इसी तरीके से, बनाने का तरीका सेम है। अब देखिए यहाँ से हम ऐसे ही इसको बुनेंगे, सिर्फ लास्ट में एक फंदा छोड़ते हुए जाएंगे, ये देखिए ऐसे ये छूट गया, यहीं से इसको पलट लिया। अब देखिए यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, 6 फंदे छोड़ लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने 6 फंदे फिर से छोड़ दिए, तो टोटल मेरे पास ये 12 फंदे छूट गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और देखिए यहाँ पे अभी 12 फंदे हमारे पास हैं, 6 बढ़ाए हुए और 6 अभी इसके जो मैंने डाले हैं। आप देखिए यहाँ से हम एक एक फंदा घटाएंगे, तो यहाँ पे पहले 2 का 1 करेंगे, उसके बाद देखिए लास्ट में फिर से एक फंदा छोड़ेंगे, ये देखिए एक फंदा छोड़ दिया, यहीं से पलट लिया। ये देखिए आप देखिए इसी तरीके से हम 5 फंदे और घटाएंगे, 5 फंदे और छोड़ देंगे, तो देखिए ये हाफ ये बनके दिल कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने ये सभी फंदे छोड़ दिए हैं। अभी यहाँ पे एक फंदा और घटाऊंगी, 5 फंदे घटाए हैं, तो देखिए
इसको हम उतार लेंगे और यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे, क्योंकि हमें जितने फंदे का मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था उतने ही यहाँ पे चाहिए। तो अब देखिए हम इस रो में ये सभी फंदे बना देंगे लास्ट तक ऐसे। ये देखिए यहां तक बना लिया। अब यहीं से हम इसे पलट लेंगे और यहाँ से इसको हम उतारेंगे, बुन को अपने तरफ करेंगे, यहाँ से उल्टा बुनते हुए पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये हाफ पार्ट बन के कम्प्लीट हो गया। अब देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ाया था और एक एक फंदा यहाँ पे छोड़ा था, तो 6 फंदों तक मैंने 6 फंदे बढ़ाए हैं यहाँ पे। इसी तरीके से अब मैं सेम बनाऊंगी, 6 फंदे यहाँ पे छोड़ूंगी, 6 यहाँ पे बढ़ा लूंगी, उसके बाद फिर 6 फंदे छोड़ूंगी जिसमें मैं कोई फंदा नहीं बढ़ाऊंगी, फिर 6 फंदे बचेंगे वो मैं छोड़ूंगी और बढ़े हुए फंदे 6 घटा दूंगी। तो सेम तरीका है, सेम पार्ट्स में और बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये मैंने बना के दूसरा पार्ट्स भी कम्प्लीट कर लिया, तो एक ही हार्ट बन के कम्प्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ से हम सेकेंड कलर लगाएंगे। तो ये रो मैंने यहाँ से पूरी बना ली यहाँ तक, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बनाई थी। अब यहाँ से हम ये वाला कलर इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए उल्टे तरफ से कलर आपको ऐड करना है। इस वाले बुल को हम इसी में दबाते हुए ले जाएंगे लास्ट तक। ये देखिए यहां से आप देखिए, अब मैं फिर से फर्स्ट रो को यहां से रिपीट करूंगी, जहाँ कि मैं 6 फंदे एक एक करके छोड़ूंगी, 6 बढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद 6 फंदे ऐसे ही बनाऊंगी, फिर 6 फंदे छोड़ूंगी जिसको बड़े हुए फंदे में घटाऊंगी। तो सेम इसी तरीके से इसके चारों पार्ट्स में बना लेती हूँ, 4 में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा।